मीटिंग बैठक और सारी कवायद बेकार ही जाएगी अब तो शायद। एका से पहले ही दिख रही कलह, बोले प्रोफेसर डेथ वारंट बन जाएगा विलय, जनता परिवार के विलय में फंसा पेच। जनता परिवार का जमावड़ा लगा, बड़े जोर शोर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने की बिसात बिछी थी। ये सभी छह पार्टियों का विलय होना था, जिनका एक झंडा एक डंडा होता, लेकिन यह महाविलय एक सार्थक मुकाम तक पहुंचने से पहले ही ठिटकता दिखाई दे रहा। शायद इन क्षत्रपों को अपने अस्तित्व के साथ साथ पार्टी के नाम और निशान खोने का भी डर सताने लगा है। मीटिंग बैठक और सारी कवायद बेकार ही जाएगी अब तो शायद। एका से पहले ही दिख रही कलह, बोले प्रोफेसर डेथ वारंट बन जाएगा विलय, जनता परिवार के विलय में फंसा पेच। दरअसल सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि यह विलय अभी संभव है ही नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी कदम अपनी ही पार्टी के लिए डेथ वारंट साइन करने जैसा होगा, यानी जनता परिवार के विलय में फंसा है पेच। ऐसा लगता है जैसे जनता परिवार की कुंडली में एकजुटता की कोई रेखा बनाई ही नहीं है विधाता ने। कभी ये एक होकर बिखर जाते हैं, कभी बिखर कर एक हो जाते हैं। इस बार तो एक होने से पहले ही बिखरते दिख रहे हैं। तकनीकी के तकाजे पर बिगड़ रही है तस्वीर, लेकिन प्रोफेसर साहब की माने तो कोई अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर करता है भला? जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज ये लिख के दे देंगी इलेक्शन कमीशन को कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं और सब पार्टियां मर्ज करके, उसी दिन उस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह ये दोनों फ्रीज हो जाएंगे। नहीं, तकनीकी कारणों से कोई नहीं, जब हमारे पार्टी का नाम और निशान सब खत्म हो जाएगा तो कोई भी आदमी अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहेगा। लो जी, हो गया विलय, महागठबंधन की गांठ खुल गई, संभावनाएं शून्य है। अभी बिहार की बारी है, फिर यूपी की तैयारी है। पार्टियों के विलय में डर ये भी वाजिब है कि नाम और निशान ना खो जाए खुद का। प्रोफेसर साहब का अपना पाठ था, उनके साथियों का अपना सबक, हम लड़ेंगे नेताजी के नेतृत्व में। नहीं नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है। रामगोपाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने जो एक तात्कालिक बात कही है, बाकी सारे निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी को लेने हैं और माननीय नेताजी को पार्टी ने सारे अधिकार सौंप दिए हैं। वो जो उचित निर्णय होगा सही समय पर वो निर्णय लेंगे, इसमें कहीं दुविधा नहीं। छह क्षेत्रीय छत्रपों ने बड़े जोर शोर से शुरू की थी कवायद। कवायद में कदम बढ़े तो मेल मिलाप मुखिया जी के घर पर हुआ, सहमति बनी, शिलान्यास हुआ, एक डंडा और एक झंडा, गठबंधन की पहली गांठ बनी। एजेंडे में रही केंद्र की मोदी सरकार, लेकिन जब खुद का एजेंडा ना तय हो तो फिर क्या हो। बहरहाल वो जेपी और लोहिया थे जो सारे समाजवादियों को साथ ले पाए थे, उसके बाद तो कभी नहीं मिल पाया इनका डीएनए। वर्तमान की परिस्थिति में भूतकाल का प्रश्न पनपा है। मीटिंग और बैठकों की कवायद बेकार ही जाएगी शायद, क्योंकि परिवार के विलय में पेच फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसे सवाल विपक्षियों ने उठाए हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि यह समय की मांग है, लेकिन जब डेथ वारंट पर कोई साइन ही नहीं करना चाहेगा तो फिर इसका अस्तित्व क्या है, इस विलय का मतलब क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण प्रकाश जी कांग्रेस के नेता, संजीव मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्नोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मिश्रा साहब, डेथ वारंट पर जब कोई साइन ही नहीं करेगा तो फिर इस विलय का मतलब भी नहीं है तकनीकी तौर पर? नहीं देखिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में दो जगह अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार का चुनाव बहुत मायने रखता है। जो भी जनता परिवार में बिहार के घटक दल हैं हमारे साथ में, उन्होंने पिछला चुनाव जो विधानसभा का था वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ा था। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई जनता परिवार बनने की स्थितियाँ आ रही हैं, ऐसे समय में कोई और चुनाव चिन्ह पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, मुद्दा ये है। और मैं बहुत साफ आपको, तो फिर दिल्ली में चुनाव चिन्ह पार्टी के नाम एक झंडा एक बैनर पर मुलायम सिंह यादव और तमाम जो दल थे वो कर क्या रहे थे फिर? जब इतना सब कुछ पता था के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ,
कि जनता परिवार का जो भी गठबंधन बन रहा है वो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को नहीं संभाल पा रही है, लेकिन रामगोपाल यादव जी ने कहा नहीं बन रहा। ऐसे समय में एक सर मेरी बात पूरी हो जाने चाहिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने। ऐसे समय में देश में एक विकल्प के रूप में जनता परिवार को एकजुट किया जा रहा है। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे, इसमें कोई अभी जल्दबाजी की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद भी इस तरीके के चीजों पर विचार किया जा सकता है। एक सवाल पूछ लूं मालिक सर, अगर इजाजत हो तो। मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसकी जो ब्रीफिंग हमको मीडिया के लोगों को शरद यादव और नीतीश कुमार ने की मुलायम सिंह जी की मौजूदगी में, उसमें उन्होंने कहा कि सब तय हो गया, एक झंडा होगा, एक निशान होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, एक नाम होगा और उसी पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, उसी में उत्तर प्रदेश में और उसी मामले में उस पर पूरे देश में मोदी को घेरेंगे। तो या तो ये जो कैलेंडर आपको पता लगा या प्रोफेसर साहब को पता लगा, वो उस वक्त इनको पता नहीं था क्या कि बिहार में चुनाव कब है, यूपी में कब है? ये तो सबको पता है ना, पूरे देश को। नहीं नहीं, कोई आ जाए क्या बात जी, ये कोई बात आ जाए लोग हैं और मैं समझता हूँ कि वो लोग खुद तय कर लेंगे कब कैसे क्या करना है। मैंने मेरा सवाल ये था ही नहीं जो आपने उत्तर दिया। मैंने पूछा बिहार में चुनाव कब है, ये तो सबको पता था। उत्तर प्रदेश में कब है, सबको पता है, तब ये बात क्यों बोली? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जिसको आज प्रोफेसर साहब डेथ वारंट बता रहे हैं। नहीं, उनकी अपनी बात बिल्कुल सटीक है अपनी जगह पे, और जनता परिवार को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो देर हो रही वो इसीलिए हो रही कि 2019 में लोकसभा का चुनाव, हम उस समय जब देश में अपना एक अलग प्रतिनिधित्व रखेंगे, उस समय तक हम अपने आप को एकजुट कर। अभी 19 की बात नहीं, जो ब्रीफिंग उस दिन की गई थी मैं उतने की बात बता रहा हूँ। 19 जब आएगा तब 19 पर चर्चा करेंगे। उस दिन ये ब्रीफिंग हुई थी कि बिहार का चुनाव एक नाम एक चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, ये बात कही गई थी मुलायम सिंह जी की मौजूदगी में। आज उस बात को खारिज किया जा रहा है, कहा जा रहा है डेथ वारंट है, इस पर कोई साइन नहीं कर सकता। ये जो बड़ा है, यही कलह का कलह है, इसकी मैं सूचना देता है। अरुण प्रकाश जी, इत्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? अरुण प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। तो मेरा सवाल सुना आपने, मैंने कहा इब्तदाए इश्क है जी, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, यही स्थिति है जी। आदरणीय अग्नोत्री जी, जी जनता परिवार को, जनता परिवार के लोगों को आप हाथ से नहीं देख रहे हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उनके रहनुमाई में एक आंदोलन हुआ, उसमें फिर बाद में किस तरीके से कौन से किस विचारधारा के लोग इकट्ठा हुए और किस तरीके से सने सने टूटती गई, फिर इकट्ठा होते गई, फिर टूटती गई, फिर इकट्ठा हुए, फिर टूटती गई। हम चाहते हैं कि इस समय हमारी और कांग्रेस पार्टी की एक सोच थी कि एक धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकत्रित हों और इस देश में जो एक माहौल बना है उससे एक कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन मैं एक थोड़ा तल्ख शब्दों में और तल्ख लिहाज में कहना चाहूँगा कि अपने फायदे के लिए जब वकालत हो रही, सिर्फ अपने परिवार अपने फायदे और चीज़ों को देख करके जब कोई बात होती है, तो मैं कह सकता हूं कि 10-20 लंगड़े इकट्ठा होकर के दो पैर वाले नहीं हो सकते आदरणीय अग्नोत्री जी, वो स्थिति है जनता परिवार की। अरुण प्रकाश जी, आप तो खुश होंगे कि चलिए ये बिहार में एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो आपको कोई घास डाल देगा? नहीं, घास डालने वाली हमने बात कभी की नहीं करता विकास भाई जी। हम तो हमेशा चाहते हैं कि इस देश में जो आज स्थिति पैदा है, उन स्थिति से एक मजबूती ढंग से मुकाबला रखने के लिए सारे लोग जो धर्म निरपेक्ष ताकते हैं, कभी जो हमारे खिलाफ होते थे, ये सारे लोग हमारे खिलाफ होते थे, वो लोग आज धर्म निरपेक्ष शक्तियां एक हों और कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन हमारी आशाओं पे भी तो खारा फात है और देश और प्रदेश के जो सांप्रदायिकता के खिलाफ सोच रखने वाले जनमानस है और जो अकलियत समुदाय है, उसके सोच पे भी निश्चित रूप से कहता एक तगड़ा हथौड़ा मारा है राम गोपाल जी ने। और मैं समझ रहा हूं कि ये कोई बहुत ही सोची समझी सियासत हो रही है कि अभी देखो
अभी बिहार में कमजोर करो नीतीश कुमार को, फिर आगे हम देखेंगे कि मुलायम सिंह जी का नेतृत्व कैसे प्रधानमंत्री का अम्ब्रेला बनता है, उसमें इकट्ठा होंगे, ये कहानी हमें लगती है। चंद्रमोहन जी भी हैं बीजेपी से। चंद्रमोहन जी, ये तो जब पहले ही सभी दलों को पता था कि डेथ वारंट पे कोई साइन नहीं करेगा, एक चुनाव चिन्ह पर नहीं आएंगे, जो राम गोपाल यादव जी ने कहा, तो इतनी मशक्कत हुई क्यों, एक के बाद एक मैराथन बैठकें हुई क्यों? देखिए, बैठकें चल रही थी, बैठकें ध्यान आकर्षण के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि कोई राजनीतिक वैचारिक आधार नहीं था इस जनता परिवार के एकजुटता का। और ये धर्मनिरपेक्षता की जो बातें हैं, खोखली बातें, वो देश में खत्म हो गई हैं, इनकी अब देश के जो युवा वर्ग है उसके लिए इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही है। ये जो राम गोपाल जी ने बोला है, हमारा मानना यह है, ये इसलिए बोला है कि अभी तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी हैं, अब जब जनता परिवार हो जाएगा तो शरद यादव जी इनके नेतृत्व में रहेंगे या ये शरद यादव जी के नेतृत्व में रहेंगे, ये झगड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो स्वरूप है वो तो परिवार की पार्टी है। अब वो परिवार की पार्टी कैसे करे, क्या करे, ये तो अपने लिए पार्टी बनाई है, ये कोई प्रदेश के लिए देश के लिए तो बनाई नहीं है पार्टी, तो क्या करें, ये कहां जाए? तो राम गोपाल यादव जी शरद यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए ये सब हुआ है। और अभी देखिए, अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने तो कहा था जब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो मैंने स्पष्ट कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये एक पारिवारिक ट्रस्ट का AGM है, किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय सभा बिल्कुल नहीं है, ना कोई चुनाव है ना कोई अधिवेशन है। यहां एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं संजीव मिश्रा जी से कहूंगा, बात को थोड़ा धैर्य से समझेंगे तो शायद बहस आगे अच्छी जाएगी, हमारे बाकी लोग भी उस पर फिर प्रतिक्रिया करेंगे। मूल बात प्रोफेसर साहब ने कल क्या कही, संजीव मिश्रा धैर्य से सुनिएगा तो आप भी समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव बहुत नजदीक है, अब लालटेन और तीर को मर्ज करके कोई नया चुनाव चिन्ह लाएंगे तो वो जनता तक पहुंच नहीं पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तर्क दिया ना, ठीक। लेकिन जो दो वहां समाजवादी पार्टी तो है नहीं बिहार में कहीं कुछ, वहां जो दो स्टेक होल्डर हैं, लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी, वो दोनों कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें चुनाव चिन्ह पर लड़ लेंगे, उनको ऐतराज नहीं जिनको लड़ना है, काजी दुबरे शहर अंधे से, समझ रहे ना आप, उन्होंने ना लालू ने कहा ना नीतीश ने कहा, बल्कि राम गोपाल जी के कथन पर लालू जी का बयान ये जरूर आया कि हम इस मसले पर मुलायम सिंह जी से सुनना चाहेंगे, केवल और केवल मुलायम सिंह जी से, बाकी किसी से नहीं। तो लड़ना जब वहां दो को है, जनता दल यूनाइटेड और RJD, वो दोनों अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुके कलेक्टिवली एक पार्टी के तौर पर, उनको ऐतराज नहीं, तो आपको क्या तकलीफ है भाई, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये मूल प्रश्न है, से नहीं चलेगा। ये आपत्ति तो लालू जी की तरफ से आनी चाहिए थी, नीतीश जी की तरफ से आनी चाहिए थी कि अब समय नहीं बचा। और आपको एक बात याद हो नहीं हो, विकास शायद उस दिन थे, मैंने कहा था ये चुनाव चिन्ह के मसले पर विखंडन हो जाएगा, तब उस दिन मेरी बात नेताओं ने नहीं मानी, नेताओं ने कहा नहीं अमिताभ जी तो नकारात्मक सोच रखते हैं, हम सकारात्मक सोच के नेता लोग हैं, सब एक डंडा झंडा होगा पूरे देश में। क्या हुआ, न झंडा दिख रहा है न डंडा दिख रहा है। आपने कहा था हफ्ते भर के भीतर हम एक नाम एक झंडा और एक चुनाव चिन्ह लेके जनता के बीच में चले जाएंगे, क्या हुआ, कितने दिन हो गए, महीना भर हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ऊपर से राम गोपाल जी का बयान आ गया, और केवल एक ही मसले पर बयान नहीं आया संजीव भाई, अरे वो विषय नहीं है, नहीं वो भी उठाता, एक मसले पर शिवपाल जी क्या कह रहे हैं और राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं, वो भी मसला आपके आंगन का है, ठीक है ना, एक पूरब भाग रहा है एक पश्चिम, वो मसला आज नहीं उठाऊंगा, किसी दिन और उठाऊंगा, आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूं, वो कह रहे हैं बस हो गया, सत्य हो गया, कुछ नहीं सब बस अनाउंसमेंट होना है, उनने कहा कौन है अनाउंसमेंट, कुछ नहीं, फर्जी बात नहीं, सब अटकल है, आ ही नहीं सकते, है ना यही बात। अब इसको भी अगर आप ये कहो कि अमिताभ जी ये आप ये मान लो कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर तो जीवित मक्खी निकलना तो थोड़ा कठिन हो जाता है मित्र संजीव मिश्रा जी, नहीं। और बहस में संजीव जी उस दिन आप ही थे। हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हम लोग बैठे थे और इस पर डिबेट हुई थी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अमिताभ जी ने ये बात कही थी और उनकी बात सच भी साबित हुई कि जो चुनाव चिन्ह वाला मुद्दा है
और मैंने भी तब उस दिन ये बात कही थी कि निश्चित रूप से बिहार का चुनाव बहुत करीब है, और एक बात और भी तय हुई थी उस दिन डिबेट में, ये तय हुआ था कि अगर बाय द वे चुनाव चिन्ह ये लोग अपना तो चेंज कर लेंगे, तो इनके जो अराइवल हैं वो लोग उसे ही चुनाव चिन्ह को लेकर के अगर मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। भाई मैं जो बात आपको समझ में आ गई, विकास को आ गई, अमिताभ बच्चन के, वो बात मुलायम सिंह जी को, शरद यादव जी को, नीतीश जी को, लालू जी को, चौटाला जी को क्यों नहीं समझ आई, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। देखिए अमिताभ जी, इसमें हो सकता है इसी वजह से थोड़ा देर लग रही हो, सबके वर्जन बहुत साफ नहीं आए हैं, तो फिर अनाउंसमेंट क्यों हुआ? हम लोग तय कर रहे हैं यहाँ पर बैठ भागने का रास्ता नहीं, फिर अनाउंसमेंट क्यों हुआ उस दिन मुलायम सिंह जी की मौजूदगी में कि भाई एक झंडा एक निशान जिस पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए देखिए उस दिन नेतृत्व का ऐलान हो गया था। नहीं नहीं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के नेतृत्व में, संजीव मिश्रा नेताजी के नेतृत्व में ही आगे जनता परिवार आगे चलेगा। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, शरद यादव सूत्रधार की भूमिका में थे, शरद यादव से स्पेसिफिक विशिष्ट सटीक सवाल हुआ, स्पेसिफिक प्रश्न हुआ कि क्या पार्टी का एक नाम एक झंडा होगा, तो उनने कहा कैसी बात करते हो, विलय का और मतलब क्या होता है, एक नाम एक झंडा एक चुनाव चिन्ह उस पर लड़ेंगे, ये बात शरद यादव ने कही थी। कहिए तो फिर मैं बाइट खुद बात भिजवा दूं पार्टी कार्यालय और मुलायम सिंह की मौजूदगी या तो वो खंडन कर देते उस बात का। देखिए जनता परिवार जो बन रहा है वो एक्चुअली में लोकसभा चुनाव के आधार पे बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। और बिहार के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं, ऐसी बात नहीं, ये सेकंड थॉट है मित्र, आप ये नया थॉट है रामगोपाल जी के बोलने के बाद, उससे पहले आप भी सांस नहीं जुटा पाए कि कौन आगे चले डर के मारे। अब तो रामगोपाल जी जैसे बड़े नेता आगे आ गए तो आपने कहा नहीं अब ऐसा है, इससे पहले व्याख्या कोई नहीं दे रहा था। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, संजीव भाई नहीं चलेगी। और एक बात आपको बता दें, कल रामगोपाल जी ने कुछ कहा, आज उनकी बात के विपरीत अशोक वाजपेयी जी को खड़ा किया गया, उन्होंने भी कुछ बोला है, हमने चलाया क्या बोला है, ये दोहरी दोहरी बातें चलेंगी नहीं, एक बात बोलनी पड़ेगी। अरुण जी, आदरणीय अग्नोत्री जी, बहुत ही हास्यास्पद बात लग रही है हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, और ये महसूस हो रहा है कि जब उसी दिन नीतीश कुमार जी ने, शरद यादव जी ने, देवगौड़ा जी ने, सब लोगों ने मिलकर के एक नेता अगर तय कर दिया तो किसी पार्टी का अगर एक नेता होगा तो कार्यक्रम भी एक होगा, झंडा भी एक होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोहिमा नागालैंड में, मिजोरम में दूसरा झंडा होगा उस पार्टी का, और कल तक कर्नाटका में उसका झंडा निशान दूसरा होगा, बिहार के अंदर उसका झंडा निशान दूसरा होगा, और उत्तर प्रदेश में उसका झंडा निशान दूसरा होगा। इसमें तो हमें अंदर की बात यह लग रही है कि हो सकता है रामगोपाल जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार का कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, अब तो वो हमें लगता है कि उनका कुनबा ही गाजीपुर से गाजियाबाद तक लोकसभा का पूरा प्रत्याशी का जो दौर 10-5 साल बाद आप देखेंगे तो हो सकता है गाजीपुर से गाजियाबाद तक उनका पूरा कुनबा ही लड़ता नजर आएगा। तो कुनबे में जो एक महाभारत में जिस तरीके से यदुवंशियों का युद्ध हुआ था, हमें लग रहा वो स्थिति पैदा हो रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज रामगोपाल जी पावरफुल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कहीं ना कहीं बड़ी स्थिति में हैं, उनको लगता हो कि शरद यादव जी आ जाएंगे, देवगौड़ा जी रहेंगे, तो आज जो मैं अकेला डिसाइडिंग फैक्टर हूं, अच्छे ढंग से मैं प्रोफेसर हूं, अंग्रेजी बोल लेता हूं, तो दिल्ली में जिस तरीके से मैं समाजवादी पार्टी का निगोशिएशन करता हूं, तो निगोशिएशन में और पावर में हो सकता है कुछ कमी आए। तो ये जो आंतरिक कलह, आंतरिक युद्ध है समाजवादी पार्टी के अंदर, वो भी एक दर्शाता है कि निश्चित रूप से कि इसको भंड करो, और भंड करके करता है समाप्त कर दो, करता बिहार के चुनाव में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां ठीक से न लड़ पावे, और फिर आगे देखा जाएगा जब प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो फिर कहा जाएगा आदरणीय नेताजी के अम्ब्रेला के तहत नीतीश जी आप एक हो जाओ, देवगौड़ा जी आप हो जाओ, लालू जी आप हो जाओ। ठीक बात, ठीक, आपने भंड शब्द अच्छा कहा, यूपी में बड़ा प्रचलित है। चंद्रमोहन जी, मुझे देश के राजनीतिक इतिहास में 52 से लेके आज तक के, जब से संसदीय चुनाव शुरू हुआ, मुझे कोई एकमात्र उदाहरण बताइए जहां एक दल हो, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन हर राज्य में उसका चुनाव चिन्ह अलग अलग हो। क्या ऐसा कभी हुआ है इस देश में? देखिए कल्पनाओं में होने में क्या दिक्कत है, ये तो एक कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में सब सारी चीजें संभव होती हैं, अमिताभ जी आप भी जानते हैं।
अब ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी जिस जो अपने लिए एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई, जो 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 शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी क्या जनता जनता परिवार नाम दे के आगे बढ़ेगी? अब यह जरूर है लालू जी से रिश्तेदारी हुई है तो एक एक्सटेंशन जरूर हुआ है, इसके अलावा क्या है? तो इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ सकते प्रदेश अध्यक्ष, जो पार्टी, वो पार्टी कहां है? फैमिली ट्रस्ट है, चल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के लिए ताजगी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? अब संजीव जी, वही सवाल जो मैंने चंद्रमोहन जी से पूछा, देश के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है एक पार्टी कर सकते हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और हर सूबे में अलग झंडा डंडा? देखिए, जनता परिवार का जो गठन हो रहा है वो हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस, आपकी फिर जानकारी अधूरी है संजीव मिश्रा, जरा जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, मुझे रखने दीजिए, जानकारी अधूरी है। गठन हो चुका, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष चुन लिए गए सर्वसम्मति से, संसदीय बोर्ड बन गया पांच लोगों का, उसके आगे की बात करो, गठन तो हो गया, गठन हो नहीं रहा है, वो गठन जो हुआ, अमिताभ जी मेरी बात पूरी सुनिए, वो गठन ही इसलिए हुआ है, वो गठन ही इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन लाने में। मेरा सवाल दूसरा, ऐसे समय में, ऐसे समय में जनता परिवार बन रहा है। अरे मैंने, और निश्चित रूप से जी मैंने नहीं पूछा कैसे समय में बन रहा है, मैंने पूछा ही नहीं कैसे समय में बन रहा। मेरा निवेदन ये है, देश के 1952 से आज तक के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसका एक नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन हर स्टेट में झंडा डंडा अलग, एक उदाहरण बता दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। देखिए, उसके उसके हम लोग खुद ही इस बारे में यहां डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर दो दो पार्टियां जो सत्ता में है इस समय, उनके अपने अपने चुनाव चिन्ह थे, उन लोगों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा है। ऐसे समय में अगर वो चुनाव अपने चुनाव चिन्ह बदलते हैं तो निश्चित रूप से उस चुनाव चिन्ह पर दूसरा कोई और अधिपत्य जमाएगा। आपकी जानकारी दूसरी होगी संजीव मिश्रा जी, देखिए आप लोग नौजवान, अरुण जी एक मिनट, आप लोग नौजवान लोग हैं, आपको आगे बहुत लंबी राजनीति करनी है, इसलिए तथ्य और फैक्ट बिल्कुल करेक्ट आपके दिमाग में रहेंगे तो उतने अच्छा रहेगा। जब जनता पार्टी बनी तो उसमें 9 से ज्यादा दल इकट्ठे हुए और सब अपना अपना घोषणा पत्र, अपना अपना झंडा और अपना अपना चुनाव चिन्ह छोड़कर कंधे पर हल धरे किसान पर आए सामने, आए ना? यू को पहली बार हो रही क्या एक्सरसाइज? जब एक राष्ट्रीय पार्टी बना ली, उसका अध्यक्ष भी चुन लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना दिया, हर पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट उसके बोर्ड का मेंबर आपने घोषित कर दिया, प्रेस में घोषित कर दिया, पूरे देश के सामने घोषित कर दिया, तब झंडा डंडा कैसे अलग रह सकता है? मुझे कोई दूसरा उदाहरण आप बता दो, मैं अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा, मैं मान लूंगा, मुझे समझ नहीं। देखिए, मेरी जहां तक समझ है, मैं तो वो बात कह रहा हूं और मैं अपने आधार पर इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भी बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं समझता हूं कि उसके उत्तर बिहार के चुनाव के बाद एक हालात ऐसे बनेंगे और एक ही झंडा होगा, एक ही डंडा होगा, थोड़ा सा और अगर मेरे ख्याल में धैर्य रखा जाए तो वो नौबत भी आ जाएगी, वो हालात। अच्छा, एक सेकंड, एक सवाल और पूछ लूं, तब फिर मुलायम सिंह जी किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? तो जनता परिवार के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? नहीं, परिवार में अध्यक्ष नहीं होता, पार्टी बोला करो, परिवार निर्वाह नहीं चलता ना, ये कोई घरेलू मामला है। किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव मिश्रा, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो मैंडेटरी है कि एक ही झंडा और चुनाव चिन्ह हो, आप समझ रहे नहीं बात? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, फिर वो किसके अध्यक्ष है? नहीं, वो जनता परिवार के ही अध्यक्ष, सब लोगों ने चुना है, उसमें कोई उसमें कोई हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो नहीं अध्यक्ष है तो ऐसा नहीं है। नहीं, जवाब नहीं, सारे लोगों ने, सारे वरिष्ठ लोगों ने मिल करके बैठ करके चुना है उनको, और जहाँ तक डंडे और झंडे की सवाल है, नहीं नहीं नहीं, वो बात साफ हो गई, ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। अरुण प्रकाश जी, अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसकी पार्टी का एक ही, पूरे राष्ट्र में एक ही सिंबल होगा, एक ही झंडा होगा, एक ही नाम होगा, ठीक है ना? तब फिर मेरा सवाल है, किसका अध्यक्ष चुना गया किसको, और किसका पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाई है जिसका अनाउंसमेंट उस दिन हुआ? अगर हरियाणा में ऐनक और बिहार में तीर कमान और लालटेन और उत्तर प्रदेश में साइकिल सब एक साथ दौड़ रही है, और कमल मुरार का भी कुछ पता नहीं रखते होंगे चुनाव चिन्ह, वो भी थे पार्टिसिपेंट, और देवी गौड़ा जी की फूल पत्ती अलग, तो सवाल है फिर अध्यक्ष किसके?
आदरणीय अग्नोत्री जी, आदरणीय अग्नोत्री जी, अगर एक झंडा एक निशान अगर पूरी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनती है और उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अलग अलग राज्यों में अगर वो अलग झंडा अलग निशान अलग कार्यक्रम के तहत जाते हैं तो उस पार्टी को तो सबसे पहले चुनाव आयोग मान्यता ही नहीं देगी कि वो किसी अलग अलग माध्यम से जाए। संजीव जी ब्रेक लेना, उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि तकनीकी रूप से भी संभव है, सैद्धांतिक रूप से भी संभव है विलय। लालू यादव भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, शरद यादव भी कह रहे हैं, सिर्फ राम गोपाल यादव कह रहे हैं जो उस कमेटी के मेंबर हैं जिनका नाम बैठक में बाद में अनाउंस किया गया था, शायद शरद यादव उस दिन भूल गए थे राम गोपाल यादव जी का, उस चुनाव चिन्ह की कमेटी में, वो कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। अब बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है, इतना बता दीजिए, ब्रेक पर चले जाएंगे। नहीं देखिए दोनों ही लोग सही हैं, बस ये है कि बिहार का चुनाव एक कह रहा है कि संभव, एक कह रहा है नहीं संभव, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों सही हो सकते हैं ना, बिहार के चुनाव तक संभव मुश्किल है और बिहार के चुनाव पर ही कहा था संभव है, शरद यादव नीतीश कुमार लालू यादव मुलायम सिंह की मौजूदगी। देखिए विकास जी दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मिश्रा की मुश्किल समझ रहा हूँ, को बड़ा छोट कहता अपराध हूँ, किसको बड़ा छोटा कहूँ और बाद में सजा पाऊँ ना, ऐसा काम क्यों करूँ ना, समस्या बन जाए। सोच लीजिएगा, चंद्रमोहन जी से भी सवाल लेंगे। चंद्रमोहन जी एक सवाल का जवाब अभी तक समाजवादी पार्टी के जो संजीव मिश्रा जी हैं नहीं दे पाए हैं, लेकिन चलिए कम से कम आपको थोड़ा खुश होना चाहिए कि एकजुट हो रहे थे सभी लोग, एक चुनौती मिल सकती थी, राज्यसभा में भी कड़ी टक्कर मिलती, कम से कम उससे तो फौरी तौर पर छुटकारा। चंद्रमोहन जी आपको आवाज मिल रही, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी जो सवाल एक बार दोहरा दीजिए जी, हमारा सवाल ये है कि कम से कम आपको थोड़ी राहत मिली है कि एकजुट होते तो राज्यसभा में बहुत मशक्कत करनी पड़ती आपको, अब कम से कम उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं देखिए हम लोग तो नियतिवादी लोग हैं और विचारधारा की और विचार की राजनीति करते हैं, तो हम तो जो नियति में हो रहा है जो घटनाक्रम हो रहा है उसका स्वागत करते हैं। और सब जानते थे कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए, नीतीश कुमार जी और लालू जी का जो बिहार की जनता के साथ जो धोखा देना है, और कांग्रेस कभी भी सपा को गाली देती है, कभी सपा कांग्रेस को गाली देती है, और एक बीजेपी के लिए दोनों एकजुट हो जाते हैं, कहते धर्मनिरपेक्षता संकट में पड़ गई, भ्रष्टाचार है तो कोई बात नहीं, धर्मनिरपेक्षता पे दोनों सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये जानती थी कि ये होगा ही, इसमें कोई नया नहीं है, सीधी सीधी बात है कि शरद यादव जी को राम गोपाल जी नेता ना हो। आइए अरुण जी, अरे आप हमारे भ्रष्टाचार, अरे 11 महीने का कोई भ्रष्टाचार बताओ, आपको खुला चैलेंज है, आप 11 महीने का कोई काम बताओ, 11 महीने के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का कोई भ्रष्टाचार बता के दिखाओ, और आप अपने यूपीए के कार्यकाल ले लो, अभी यूपीए ले लो, व्यापम का इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में, व्यापम का घोटाला इतना बड़ा मध्य प्रदेश में, आप यूपीए और एनडीए की बात करो, यूपीए सरकार के मंत्री बाहर कर रहे हो, 11 महीने दूसरी तरफ बैठ जाएंगे, 11 महीने रुक जाए संजीव जी, संजीव जी एक बात, चंद्रमोहन जी 11 महीने की आपकी सरकार हो गई, जो आपने 100-100 दिन में काम कहे थे कि 100 दिन भ्रष्टाचार कम होगा, संजीव जी आप अपने सवाल का जवाब दे नहीं पाते, 11 महीने में आपने कोई काम ही नहीं किया, आपसे तो सवाल पूछा जाता है, संजीव जी आप उसका जवाब दे नहीं पाते हैं, चर्चा करेंगे जब उसका भी चर्चा कर लेंगे, संजीव जी आपसे बुला लेंगे,
संजीव जी एक मिनट, चंद्रमोहन जी बात सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी आपकी आवाज बहुत तेज है, हमें पता है जी, बहुत तेज। दाल मिल रही है पूरे देश में 100 रुपए से ऊपर। संजीव जी आप सवाल पूछ लो उसका जवाब दे दीजिए। 100 रुपए से ऊपर मिले जी आप, वहाँ आपका जवाब निकलता है। आपने किया है संजीव जी, दाल आप पेट्रोल आपने डीजल को कम नहीं किया और ज्यादा करने के नाम पे 5-5 रुपए। एक मिनट संजीव जी, दाल डीजल पर मोदी पर एक दिन बहस रखेंगे, उनका एक साल पूरा होने जा रहा है तब उस पर चर्चा करिएगा। आज चर्चा हो रही है क्या यह विलय डेथ वारंट है, अगर हाँ तो समझदार लोगों ने यह कदम उठाया क्यों? आज इस पे चर्चा हो रही, आज इस पे रह ले, फिर दाल पर कल आएंगे, परसों आएंगे, जरूर आएंगे जी। संजीव जी जिस जोश से आपने अभी बात करे तो उसी जोश से जवाब दे दीजिएगा। डेथ वारंट पर जब कोई साइन नहीं करना चाहता है तो ये कवायद क्यों थी, और फिर जब कोई नहीं कह रहा है कि विलय संभव नहीं है, तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि संभव नहीं है, तो इसमें सही कौन है गलत कौन, इतना बता दीजिए उसी जोश के साथ। जो मैंने तो पहले भी कहा, मुझे फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी, बिहार के चुनाव तक मैं समझता हूं कि थोड़ा नहीं, नहीं, जो भी साइन करने में देरी है वो देरी है, और उसके बाद निश्चित रूप से मैं समझता हूं पूरे देश में जनता परिवार ही एक ऐसा परिवार होगा जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक बात है, लेकिन एक बात समझ लो देवी गौड़ा, एक सेकंड देवी गौड़ा प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ठीक, अपनी पार्टी के लंबे समय से अध्यक्ष है, वो लिखा पढ़ी जानते हैं। मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी के लंबे समय से, जब से स्थापना हुई तब से अब तक अध्यक्ष हैं, वो चुनाव आयोग के नियम उपनियम जानते हैं, चिट्ठी पत्री जानते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, वो जानते हैं तकनीक। लालू यादव 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, वो भी तकनीक जानते हैं, अपनी पार्टी के 15 साल से अध्यक्ष हैं, ठीक। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे 2 बार, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी चिट्ठी पत्री जानते हैं तकनीक, ठीक। ये नादान लोगों का जमावड़ा था क्या जो जानते नहीं थे? इनसे ज्यादा तकनीक कोई जानता है क्या? फिर ये क्यों हुआ? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निश्चित और सुन लो, एक सेकंड सुन, ना अभी नहीं निश्चित। और जिन्होंने सवाल उठाया वो अध्यक्ष नहीं रहे कभी पार्टी के, समझिए बात को। तो अध्यक्ष को तो ज्यादा टेक्निकलिटीज पता है, उन्होंने सरकारें चलाई, देश चलाया, कई कई बार सरकारें राज्यों में चलाई इन लोगों ने, इनको पता नहीं चुनाव चिन्ह की टेक्निकलिटी क्या होती है, नाम की टेक्निकलिटी क्या होती है? संजीव जी कैसे मान लो कि बस यूं ही हो गया, बोले आज कुछ करने को नहीं है, चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, इसलिए बैठ गए थे क्या? नहीं, सब लोग मिलकर के बैठे होंगे, बहुत सीनियर लोग हैं सब लोग, सब लोगों की अपनी अपनी, जैसा कि आपने बताया खुद ही बता दिया कि सब लोग बहुत सीनियर हैं, और ये सब लोग मिलकर के बैठ करके पूरे देश में गठबंधन बना रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या तकनीकी ज्ञान नहीं था जो राम गोपाल यादव ज्ञान दे रहे हैं? सीधा सवाल, उन्हें ज्ञान नहीं था? ज्ञान भी रहा, खूब तकनीकी ज्ञान भी रहा होगा। हमारी पूरी बहस का एक ही मुद्दा कि बिहार के चुनाव तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो साइन करने में दिक्कत आ रही होगी वो आ रही होगी। वो सिर्फ लालू नीतीश तक नहीं था, राम गोपाल यादव जी की बात को सुनिए, डेथ वारंट पर कोई साइन नहीं करना चाहता, सिर्फ लालू नीतीश नहीं, देवगौड़ा भी उसमें, चौटाला भी उसमें, सिर्फ उनकी बात नहीं, बिहार तक सीमित नहीं है, हर चीज में बिहार तक सीमित नहीं है, सक्षम है, बिहार तक सीमित नहीं है। समझता हूँ कि मैं समझता हूं कि इन सारी जो आज बहस हो रही है, अगर कभी अमिताभ अग्निहोत्री साहब जो है माननीय नेताजी से इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे उनको पूरा जवाब मिलेगा। अच्छा अरुण प्रकाश जी एक बात समझाओ भाई, जब बिहार निपटेगा है ना, अच्छा बुरा जो नतीजा आए, जनता जो नतीजा दे सिरमाते, तब तक उत्तर प्रदेश में नगाड़ा बच चुका होगा, समझिएगा बात को। तो जो आज बिहार के लिए तर्क दिया जा रहा है वो यूपी के लिए तर्क लागू हो जाएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। और जब तक बिहार यूपी निपटेगा है ना, तब तक पंजाब आ जाएगा, ठीक है ना, बीच में पश्चिम बंगाल भी फंसेगा, और जब तक ये सब निपटेंगे तब तक लोकसभा का नगाड़ा बच जाएगा, तो फिर एक सिंबल कब होगा? अगर यही तर्क मान लें कि समय नहीं बचा, तो अब समय तो 19 तक नहीं बचा, हर साल हर 6 महीने पे किसी न किसी राज्य में बड़ा चुनाव है। अरुण प्रकाश जी ये कैलेंडर तो मुझे पता है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर है, इसके लिए भास्को डिगामा को लाऊं क्या ढूंढने के लिए कैलेंडर? आदरणीय अग्निहोत्री जी, भारतीय राजनीति का एक बहुत ही मोड़ का कल तक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पर है।
बिहार का चुनाव तय करेगा कि भारत की राजनीति किस दिशा की तरफ जाएगी, और बहुत सख्त आवश्यकता थी, जिस पे काम करने की आवश्यकता थी। अभी 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के उस मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब बिहार की, आप जानते हैं कि बिहार बहुत ही राजनीतिक उर्वरा की शक्ति की भूमि है, और वहां हमेशा ऐसे शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है बिहार की जनमानस ने। और जिस तरीके से 2 महीने पहले जब कांग्रेस और जेडी जनता दल यू और लालू प्रसाद जी की पार्टी दोनों तीनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। मैं तो कहता हूं राम गोपाल जी और मुलायम सिंह जी को अगर धर्मनिरपेक्षता में, मैं तो मुलायम सिंह जी के परिवार को धर्मनिरपेक्ष मानता नहीं, क्योंकि उनके राज्य में 150 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, लेकिन अगर जरा सा भी उन्हें थोड़ा सा भी शर्म बची है और इस देश के राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने की इच्छा है उनके अंदर, तो बिहार के चुनाव के शुरू होने के पहले ही ये शक्तियां इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो अहंकारी व्यक्ति हैं उनके रथ को रोकने का काम करने का, वहीं से एक नई दिशा तय होगी। पाटलिपुत्र फिर से एक नया दिशा देगा पूरे भारत को, जिससे कि हम बदल सकेंगे कश्मीर से कल्याण। यहाँ तो खुद ही दिशा भ्रम हो गया, दिशा कौन देगा किसको, यहाँ तो खुद ही दिशा नहीं समझ आ रही। हाँ जी, ये सिर्फ पावर को इकट्ठा रखने का, पार्टी में अपनी स्थिति एक रखने की, ये हमें तो लगता है हो सकता है राम गोपाल जी की कोई सोची समझी साजिश ना हो, जो शब्द मैंने पहले कहा था उसको दोहराना मैं नहीं कहता, हो सकता है कि किस तरीके से इस गठबंधन में मट्ठा डाल दो जी। और फिर अरे भैया अरुण जी, ना, बाकी लोगों ने मट्ठा रोक क्यों नहीं लिया, अगर मान लो वो डाल भी रहे थे तो बाकी रोक लेते, लोटा लगा देते अपना, अब इस पे भगौना लगा देते, तसला लगा देते। जी सर, मुलायम सिंह को आगे आना चाहिए इस समय, और मुलायम सिंह इस पे क्लियर करें कि उनकी सोच क्या है। अरुण जी मजे की बात देखो, आपने किसको मैदान में उतारा, संजीव मिश्रा चलो अभी नौजवान, आपने किसको नौजवान मैदान में उतारा, सीजन आदमी, भला आदमी जिसकी टिकट काट दी आपने लखनऊ में एंड टाइम पर, जब वो प्रचार कर रहा था गली गली घूम के, तो उसको वहां रेडियो पर खबर मिली कि इनकी टिकट कट गई, तो फिर वो आधा प्रचार छोड़ के बेचारे चले आए अशोक वाजपेयी जी, उनको मैदान में उतारा। अब राम गोपाल जी के मुकाबले अशोक वाजपेयी जी कोई मानेगा सीरियस, फिर बताओ, या तो फिर मैदान में बड़ा आदमी उतरता जी, तब तो टाल ठोक अभियान होता, बोले आ जाओ भाई, दो दो हाथ हो जाए। अशोक वाजपेयी जी को उतारा, बताइए वाजपेयी जी की बात को कोई कैसे गंभीरता से ले लेगा, एक तरफ राम गोपाल जी है दूसरी तरफ वाजपेयी जी है। शिवपाल जी को लाना चाहिए था, मतलब कोई बड़ा आदमी होता, हाँ जी, जिसका औरा हो, जिसका भौकाल हो, जिसकी चल रही हो सिस्टम में। अशोक जी की तो नहीं चल रही, वो आदमी बहुत भले है मेरे मित्र, लेकिन उनकी तो बेचारे की टिकट ही काट दी संजीव मिश्रा जी की पार्टी ने, वो तो अभी MLC मिला उनको बड़ा मुश्किल से है, पूरी उम्र बीत गई भले आदमी की। अच्छा चंद्रमोहन जी, अभी तो बिहार इलेक्शन अगर निपट भी जाता है, और ये सवाल उठेगा कि उसके बाद जो संजीव जी कह रहे हैं जो नामुमकिन सा है कि तब मर्जर हो जाए, विलय हो जाए, तब लालू नीतीश नहीं कहेंगे कि जब बिहार में चुनाव था तब तो हुआ नहीं, यूपी का समय आ गया तो हम कैसे करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव में हम कैसे करेंगे, तब तो सवाल उठाएंगे दोनों। बिल्कुल सही बात है विशाल जी, और अमिताभ जी पूरे चर्चा को और पूरे पूरे डेवलपमेंट को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। देखिए ये जो मामला है, ये जनता परिवार बनाम सैफई परिवार का मामला है, एक ओर सैफई परिवार के हित और अहंकार हैं, दूसरी ओर जनता परिवार की एक कल्पना है, तो जनता परिवार की कल्पना सैफई परिवार के अहंकार पर भारी पड़ रही है। ये जो आज जो घटनाक्रम है वो उस ओर ले जाता है। मैं दूसरी एक बात और कहूंगा अपनी बात को पूरी करते हुए, कि जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरे की बैसाखी पे खड़े हैं, अनुकंपा पे जी रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बात ना करें, वो अमेठी जीतने के लिए समझौता करते हैं, वो जो रायबरेली जीतने के लिए समझौता करते हैं, वो जब चाहे जब साथ लेते हैं, जब चाहे जब विरोध में खड़े होते हैं, ये भूली बिसरी कहानियां मत करिएगा, और जो सच है उसे पहचानिएगा। बिहार में आपके पास कुछ है नहीं, यूपी में कुछ है नहीं, करो पूरी तरीके से करो, आप बैसाखियों पे खड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस पार्टी
कोई धरना दे सकती नहीं है आपको, हमें धरने पर जवाब दिया है आपके देश की जनता ने, गुमराह नहीं है आपके, ये चुनाव भ्रष्टाचार पे नहीं था जी, केवल अवसरवाद है, ये चुनाव आपने हिंदू बना मुसलमान का चुनाव बनाया था, अरे अनकंप, ये चुनाव भ्रष्टाचार पे नहीं था, ये चुनाव प्रकाश पे नहीं था, ये चुनाव देश को आपने गुमराह किया है। और 11 महीने के बाद ये फिजूल की बात, मैं घोषणा करता हूँ, ये फिजूल की बात, चैलेंज देता हूँ उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव करा दे, आज मोदी जी चुनाव करा दे, आज 75 प्रत्याशियों की जबान से जब्त होंगी, अरे आप आज चुनाव हो जाए, चुनाव करा दे, क्यों करा दे, चुनाव करा दे, आप रोने लगे क्यों करा दे, संजीव जी, संजीव जी, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जनता परिवार, मैं लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपके बयान आ रहे हैं, आपके अहंकार का जवाब देगी जनता, संजीव महाराष्ट्र में जवाब दिया, अरे नहीं जवाब दिया, अहंकार आपका है, आप सरकार में नहीं हो, आप भोपाल में हो, उसकी जनता किस तरीके, अरे आप नेपाल को संदेश नहीं लिख सकता, आपका नेता आपको नकल करने वाले लोग है, चंद्रमोहन जी गला भराएगा, अरुण जी, अरे हम हमारा तो स्पष्ट है, स्पष्ट है, आप अपना देखो, देख रही है संजीव, संजीव जी जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जनता परिवार बनाम सैफी परिवार सारे का सारा है, पार्टी पे नहीं खड़े हैं, इसलिए इसलिए कभी विलय हो ही नहीं सकता, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी बहुत गलतफहमी में, बता दूं आपको कि कांग्रेस ने 10 साल जो शासन किया था उस 10 साल के शासन में कभी भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के संसद तक कभी विरोध नहीं किया, और जितना कांग्रेस का भ्रष्टाचार के जिस समय हावी हुआ उस समय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी उसका बराबर की मैं समझता हूं कि हकदार है, भारतीय जनता पार्टी की आज अगर सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है तो केवल इसलिए बनी, ये सवाल ही नहीं था संजीव जी, पूरा जनमत तैयार हुआ, जनता परिवार बनाम सैफी परिवार, कांग्रेस के विरोध में पूरा जनमत, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब नहीं देते फिर आप में भारतीय जनता पार्टी आ गई, संजीव जी संजीव जी न रहिए, चंद्रमोहन जी मैं बता रहा हूँ आपको कि जब जनता परिवार बनाम सैफी परिवार है, क्या परिवार बता दीजिए, सबक सिखाया जाएगा, जनता परिवार बनाम सैफी परिवार है, देखिए जनता परिवार बनाम सैफी परिवार का कोई वो नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर भारत अगर हमारी 5 सीटें आई हैं तो निश्चित रूप से हमारे परिवार के ही लोग जीत करके आए, कांग्रेस की भी यही स्थिति, उत्तर प्रदेश में अगर 2 सीटें जीती है तो परिवार के ही माँ बेटे ने जीती है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, एक हवा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो चली गई, इसलिए किसी गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहना चाहिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि 100 रुपए की दाल महंगी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, चलिए इतनी तेज आप आवाज में बात, संजीव जी जो आप जब पिछली बैठक हुई तब आपने डंके के चोट पर कहा था कि बिहार में देखना हम ये जनता परिवार जीतेगा, मुंहतोड़ जवाब देंगे, आज आप फिर बदल गए, आज आप फिर कह रहे हैं कि बिहार के बाद देखना एक फिर एकजुट होंगे, फिर जवाब देंगे, फिर आप बदल जाएंगे, भरोसा कैसे करें आप पर, मैं बताना चाहता हूं आपको जी, अमिताभ जी अभी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, ये कैसे होगा, फिर लगातार चुनाव चुनाव है और 19 में हमारा लोकसभा होगा, मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जनता परिवार की 2 प्रदेशों में सरकार है, एक बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में, हम लोगों को देख करके चलना पड़ेगा कि बिहार को भी हम किस तरीके से जीत गया है और उत्तर प्रदेश, एक मिनट सर, एक मिनट पूरी बात हो जाने जी, एक मिनट बिहार में हमें फिर से सरकार अपनी बनानी है, जनता परिवार की सरकार बननी है और उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूती से साइकिल पे फिर सवारी करके मजबूती से चलाएंगे। बिहार का चुनाव निपटने के बाद ऊंट बैठे चाहे खड़ा रहे, लालू नीतीश का गठबंधन जीते हारे चाहे जो नतीजा आए उसके बाद वो दिल्ली आने बंद कर देंगे, आपकी मीटिंग में वो कहेंगे हमसे क्या लेने देना भाई, या तो मेरी दुकान सज गई या मेरी दुकान लूट गई, दोनों में हमें आपकी अब जरूरत नहीं, अब उत्तर प्रदेश आप निपटो सुलझो, इतनी समझ तो उनको भी है, आप क्या उनको क्या समझ, अरे ना 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 ना, मैं 100 उदाहरण दे दूं 100, आप गलतफहमी मत रहो, इस तरीके का हो सकता है भविष्यवाणी ना, ऐसा ही चरित्र रहा है, जब मेरे वक्त में आप आए नहीं बजाने बाजा तो आपके वक्त में मुझे क्या लेने देना, मैं गठबंधन और विलय करता घूमू, देखिए जनता परिवार के ना 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 ये नहीं होता, राजनीति में चैरिटी नहीं होती संजय मिश्रा जी, राज सियासत में चैरिटी नहीं होती, अरुण प्रकाश जी गलत तो नहीं बोला ना, नहीं संधि का भी ख्याल नहीं कर रहे अग्नोत्री जी, राम गोपाल जी अपने संधि का भी नहीं ख्याल कर रहे हैं, नहीं अब वो संधि का मसला अलग है वो छोड़ो परिवार में, लेकिन मैं कह रहा हूं बिहार का मसला निपटने के बाद लालू जी नीतीश जी का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर राष्ट्रीय पार्टी बने चाहे अंतरराष्ट्रीय पार्टी बने चाहे ब्रह्मांड की पार्टी बने,
उससे क्या लेना देना, हो सकता है लेना भाई? सब राष्ट्रीय नेता भी है और राष्ट्रीय नेता रहे हैं, वो सब लोग मिल करके देश में हो सकता है सरकार हमारी बने और सब लोग बहुत मजबूत मिश्रा जी कहां कहां का सपना देख लेते हो आप, तो मंगलयान से भी आगे जा रहे हो। विलय तो हो नहीं पा रहा है, अभी कहां देश में चुनाव हो रहा है चंद्रमोहन जी, साल भर हुआ था। आप अगर हो सकता कह रहे हैं तो मैं भी तो कुछ छोटा सा जवाब चंद्रमोहन जी, आपको लगता है बिहार के बाद विलय हो पाएगा जिसकी संभावना ना के बराबर है, छोटा सा जवाब। बिल्कुल नहीं होगा, कोई कतई नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है, जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, कोई संभावना नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये केवल और केवल फिजूल की बात है। कल्पना की जा सकती, संभावना नहीं, आप बता रहे हैं, समय की कमी, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। भाई मैं तो देखो, जब जिस दिन बना ही था मुलायम सिंह जी का अध्यक्ष बनने का मामला आया था, उस दिन भी संजीव मिश्रा को याद होगा मैंने एक बात कही थी, जब तक चौका एक नहीं हो तब तक दल एक नहीं होगा, कहा था ना, आपके यहां 36 तो चौके हैं, कोई दाल बाटी बना रहा, कोई सब्जी भाजी बना रहा, कोई कुछ अलग अलग चूल्हा जला रहा है, वो सब और कह रहे जी दिल मिल गए हमारे, कैमरा के सामने हाथ पकड़ने से पार्टियां बनती हैं क्या, फोटो खिंचाने से नहीं ना, और 9-10 दलों का विलय कोई पहली बार, आपसे डेढ़े दलों का विलय हो गया जनता पार्टी जब बनी थी, ये अलग बात है 2.5 साल में उसका श्राद्ध कर दिया आप लोगों ने मिलकर, जयप्रकाश जैसे आदमी को भी शर्मिंदा कर दिया वो अलग का कहानी है, उसमें तीसरी धारा और चौथी धारा सब शामिल हो, क्या स्थिति बनी थी जयप्रकाश जी के मन की, विलय तो होता है और विलय होता है तो एक ही चुनाव चिन्ह होता है, और ये मसला केवल यहीं तक का नहीं, बिहार के चुनाव के बाद लालू जी नीतीश जी की रुचि ही समाप्त हो जाएगी, ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, ये साइबेरिया में भी चुनाव लड़ने लगे, उनका क्षेत्र पर क्या फर्क, उनकी रुचि है चाईबासा में, उनकी रुचि है बाढ़ में, उनकी रुचि मुजफ्फरपुर में, उनकी रुचि पटना में, उनसे क्या मतलब जालंधर में किसको क्या चुनाव चिन्ह रख रहे हैं आप। एक चीज आपने कहा बिहार में चुनाव बहुत नजदीक आ गया, अगर यही तर्क मान लूं तो बिहार खत्म होगा तो बंगाल खत्म होगा, पंजाब आप तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, राष्ट्रभर में लड़ोगे, रीजनल तो रहेंगे नहीं, तब आप हर 3 महीने पर एक बड़ा चुनाव है, और जब सारे चुनाव निपटा पाओगे मित्र तब तक लोकसभा की मुनादी हो जाएगी, तो फिर वो कौन सा 3 साल का समय 4 साल का समय आप सोच रहे हो कि हमको बिना चुनाव का मिल जाएगा एक चुनाव चिन्ह देशभर में प्रचारित करने के लिए, वो समय बताओ फिर हमको। और हैरानी की बात, इतने काबिल लोग, देवी गौड़ा, लालू जी, मुलायम सिंह जी, नीतीश कुमार जी, कमल मुरारका, शरद जी, सब लोग इतने काबिल, अजय और अभय, सब लोग इतने योग्य लोग, राजनीति के धुरंधर लोग, आप लोगों के टाइम टेबल पता नहीं था, कल रामगोपाल जी ने बताया तभी समझ आया कि बिहार में चुनाव भी होना है, ये बात पहले से भी पता थी, और अगर पहले से पता थी तो फिर ये किया क्यों, ये तो बड़ा विचित्र बात है, बुढ़ापे में शादी क्यों की, एक कहावत है ना, अच्छा नहीं किया, अब बोले की करके छोड़ क्यों दी, ये तो और भी बुरा किया, कहावत है ना गांव में, ये वैसे ही मसला हो जाएगा, ये समझने की बात है। और आपकी ही पार्टी से अशोक जी जो खड़े हुए हैं, अशोक वाजपेयी जी, संजीव मिश्रा जी, कोई मान सकता है कि अशोक वाजपेयी जी ने अपनी चेतना से यह बयान दिया होगा, नहीं ना, ये अशोक जी को किसने इंस्पायर किया कि भाई चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, बोलो क्या, अशोक वाजपेयी जी तब तो बोले नहीं बिचारे जब उनकी टिकट कट गई, बीच चुनाव में कट गई थी ना, आपको पता ही है लखनऊ में, आज वो बोल रहे हैं, इसका तो कुछ तो मतलब है, आंगन में एकजुटता नहीं है, और तब तक दलों का कोई अर्थ नहीं मिलेगा जब तक मन नहीं मिलेगा, फोटो अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है मीडिया के लिए, जनता के बीच में कोई लाभ नहीं होगा, वो तभी होगा जब दिल मिलेगा, और दिल मिलता हो ऐसा लक्षण अभी तो नहीं दिखता ना, जिस ढंग से रार हुई है, और संजीव मिश्रा जी
आप कह पाए नहीं कह पाए, समाजवादी पार्टी के रैंक एंड फाइल में भी इस विलय के विरोध में एक बड़ा समूह है उत्तर प्रदेश में, जो इस बात की वकालत कर रहा है कि हमने इतने वर्षों में इतनी मेहनत से जो इमारत खड़ी की उस पर किसी दूसरे का झंडा डंडा कैसे मंजूर कर ले। ये लड़ाई है, पहले तो आप इससे उभरो, अपने अंदर एक राय बनाओ, उसके बाद ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला हो पाएगा। कल के बाद जो यूटर्न आया, अब आप लोग सफाई देते घूम रहे हैं पार्टी के लोग। रामगोपाल जी की बात हल्के में भी नहीं टाली जा सकती ना, वो लोहिया युवजन सभा के अध्यक्ष तो है नहीं, उनकी बात को हल्के में तो नहीं कर सकते आप, और ना ये कह सकते कि यूं ही बोल दिया, वो बहुत ज्यादा बोलने वाले नेता भी नहीं है। इसलिए ये संदेश गया, इसलिए बहस करनी पड़ी, ये बाप को सोचना पड़ेगा। और लालू जी की और नीतीश जी की तरफ से आपत्ति आती तो शायद समझ में भी आता, जो आपत्ति हम और विकास उस दिन उठा रहे थे, जिस आशंका उठा रहे थे कि चुनाव चिन्ह की समस्या फंसेगी, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने अपने उम्मीदवार तय कर दिए एक पार्टी के रूप में, आपने कह दिया कि जी नहीं नहीं आप नहीं लड़ पाओगे, जिनको लड़ना वो करे, हम तैयार है, आप करो, नहीं 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 लड़ पाओगे। इससे स्थिति हास्यास्पद हो गई, और खासतौर पर जनता परिवार को और फूंक कर कदम रखना चाहिए था, क्योंकि उसका जो अतीत है ना मिश्रा जी, वो टूटने और बिखरने के लिए आवश्यक। इसलिए मैं मानता था कि इस बार अगर कदम उठाए जाएंगे तो फूक फूक के कदम उठाए जाएंगे, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जाएगा जिसको वापस खींचना पड़े या अधर में लटक जाए कोई प्रयोग। आज जो स्थिति बनी है उससे यही धारणा फिर पुष्ट होगी कि जनता परिवार या बृहत्तर जनता परिवार टूटने के लिए ही एक साथ बैठता है। ये आशंका, ये आरोप, ये स्वभाव, ये टिप्पणी एक बार फिर जिंदा हो गई है रामगोपाल जी के बयान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण प्रकाश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। संजीव मिश्रा जी आपका भी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।